हलब में अल सहला का पहुंचा है। 9 साल में इस वक्त तारीख में ये बात है कि 9 साल में कोई कारवान दुनिया का पहला जो हलब उतरा है। मौला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शा कि हम हलब आ सके। ये इस वक्त इसकी सूरत हाल है जो मैं दिखा रहा हूँ। हम नबी जकरिया के मज़ार पर इस वक्त आए हैं और सूरत हाल इंदा ही मखदूश है, लेकिन वैसे अमन है बुनियादी तौर पर। लेकिन एक जिसे हम आम जबान में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो शहर का तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। ये खूबसूरत जो लोग पहले हलब आ चुके हैं उन्हें नबी जकरिया का मज़ार याद होगा। ये यहाँ की एक खूबसूरत तरीन मस्जिद थी जिसमें ये रोज़ा बना हुआ था, मज़ार बना हुआ था। अब ये एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ये इसका साइन बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इस पर मलूनों का कब्जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर अपना सेंटर बनाया हुआ था। इसको अब साफ कर दिया गया है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मजमूई तौर पर अमन है शहर में, चहल पहल है, लोग रोज़मर्रा की जिंदगियों पर निकल गए हैं, लेकिन तबाही जो नज़र आ रही है वो इंतहाई बड़े पैमाने पर है, खतरनाक हद तक। लेकिन मैं इनक्रेज करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हलब के हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हैं तो कारवान हिम्मत करें। सहला कारवान पाकिस्तान से दुनिया भर से पहला कारवान है जो हलब में 9 साल में उतरा है अपने ज़ायरीन के साथ। आपको आगे इंशाल्लाह और मुकामात की भी ज़्यादत कराते हैं।